सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला इमाम आली मकाम सिप्त रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दाहु अन्ना जब मदीने तैयबा में थे और आपको यजीद ने बैत के लिए इसरार किया और जानते हैं मदीने का गवर्नर वलीद बिन उकबा इमाम हुसैन को अपने घर में बुलाया और रात के वक्त कहा कि आप यजीद की बैत कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आज वो सब मुसलमानों को याद होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मैं हुसैन रसूलुल्लाह का नवासा यजीद की बैत करूंगा फासिक और फाजिर की, ये नहीं कहा आपने। तवज्जो चाहता हूं, आपने ये नहीं फरमाया बल्कि ये फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है। ये कयामत तक आने वालों के लिए मैसेज है, हुसैन जैसा कभी भी यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता और ना ही वैसों की ताकत को वो मान सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने बचपन से हमें हुसैन को ही सुनाया है, यजीद को नहीं। इसलिए आज अगर किसी तख्त पर यजीद बैठा हो तो हमें डर नहीं लगता इस बात का कि वो गर्दन उड़ा देगा, हमें इस बात का खौफ नहीं लगता कि फांसी पर चढ़ा देगा। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी रूहे करबला जरूर पहुंचेगी। इमाम हुसैन के साथ कयामत के दिन उठाए जाएंगे हक बात करते हुए अगर दुनिया से जाए। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं तारीख की चंद झलकियां आपके सामने रखूंगा। मुझे हुक्म भी हुआ है, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो जाएगा, समेटना है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। ताकत किसे कहते हैं, कुव्वत किसे कहते हैं? जिम में जाकर बॉडी बनाने वाला ताकतवर है, काजू बादाम खाने वाला ताकतवर है, मुक्के मारने वाला ताकतवर है, कौन है ताकतवर? ताकत किसे कहते हैं? मेरे अजीजों असल ताकत तो ये है कि तुम इस्तेमाल अपने हाथ पैर कुछ भी ना करो लेकिन खलबली दूसरों में मची रहे, ये असल ताकत है। ये रब तआला की तरफ से दी हुई होती है इनाम, वरना आप सोच सकते हैं कि हुसैन आजम के साथ जो लोग आए थे वो कुल काफिला कितना था। अलग अलग रिवायतें, इमाम हुसैन के साथ 135 लोग थे, बाज रिवायात में है 96 थे, 96 लोग थे, बाज रिवायत में 82 थे, शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन इस बात पर अक्सर उलमा मुहद्दिसीन का ख्याल है कि 82 लोग थे, 82 लोग थे। 82 के मुकाबले में कितने लोगों को आना चाहिए रास्ता रोकने के लिए? अगर किसी आम आदमी से भी पूछे तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, चार गुना ज्यादा कर दो। नहीं, 82 को रोकने के लिए पहले 1000 लोग आए, फिर वो 1000 के बाद 4000 प्लस आए, 5000 लोग सिर्फ 82 लोगों को रोकने के लिए आए रास्ता। फिर ये लोग 4 दिन तक रास्ता रोकते ही रहे 5000 लोग मिलकर, 10वीं मुहर्रम होने से पहले पहले फिर तकरीबन 16000 लोग आए, यानी तकरीबन पूरे टोटल मिलाकर 22000 के करीब, 21000 समथिंग कुछ, 22000 की फौज क्या माने रखती है किसको रोकने के लिए? 82 लोगों को। इसी से समझ में आता है असल ताकत किसे कहते हैं। ताकत इसी को कहते हैं कि उधर 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, उनके खेमों में साजो सामान भी नहीं, जंग के असबाब भी नहीं, और वो जंग की नीयत से भी नहीं गए, उसके बावजूद 22000 के सीनों में जो खलबली मची है, दुनिया इसी को समझ नहीं पा रही है। अगर दुनिया ये समझती है क्वांटिटी का नाम ताकत है तो हम उसको रद्द करते हैं, नहीं, क्वालिटी का नाम ताकत है। ईमान ये असल ताकत है। और एक तारीखी बात मैं आपके सामने रखता हूं, इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले यजीद की फौज से जो शख्स आया था उसको हुर बिन यजीद कहते हैं, हुर बिन यजीद अर-रियाई। 1000 का लश्कर लेकर के इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए, 2 दिन तक इधर उधर घुमाते रहा, और जब जब नमाजें होती रही इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पर हैं और ये यजीदी इक्तिदा भी कर रहे हैं, हर जमात इमाम हुसैन के पीछे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं 10वीं मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और यजीदियों से कहा क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, हैदर करार का नूर नजर हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरी नस्बतें क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम मेरे खून से अपने हाथों को न रंगो,
मैं तुम्हारे पास ऑप्शन रखता हूँ, मैं इस रास्ते से अपने वापस मदीने की तरफ जाता हूँ या किसी साहिल की तरफ या दमिश्क जाऊंगा, जंग करना नहीं चाहता तुमसे। ये तीन ऑप्शन जब इमाम हुसैन ने रखा तो यजीदियों ने एक को भी कबूल नहीं किया, वो जंग करना ही चाहते थे, इमाम हुसैन के खून के साथ खेलना ही चाहते थे। लेकिन जो हुर बिन यजीद है, तवज्जो चाहता हूं, जो खुद इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए आया, उसके दिल में ये बात आई और उसने आकर के दसवीं मुहर्रम को यजीदियों से कहा, मियां मान लो हुसैन की बात, तीन में से कोई एक बात मान लो, हम जंग नहीं करना चाहते, वो रसूलुल्लाह के बेटे ही तो है। तो सारे जो सिपह सालार बड़े बड़े थे, अम्र बिन साद, शिमर वगैरह, हुर बिन यजीद से कहने लगे, तुझे कौन कहता है फैसला करने के लिए, तू सिपाही है, 1000 की नफरी तेरे साथ दी गई है, बस अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो मैदान में जमा रह, वरना चला जा, तू सुलह की बातें मत कर। हुर बिन यजीद उसी दिन दसवीं मुहर्रम को उन यजीदियों से कहता, अच्छा अगर तुम मेरे इस बात को नहीं मानते तो तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। जो यजीद की तरफ से आया था वो किधर चला गया? मौला हुसैन के खीमे में। कब? सिर्फ दसवीं मुहर्रम, एक रिवायत में नौवीं मुहर्रम को, एक दिन पहले इमाम हुसैन के खीमे में आया, दस्त बोसी की, माफी मांगी और इमाम हुसैन ने कहा, अब तुम जा सकते हो अपने घर। हुर बिन यजीद ने कहा, मैं उस वक्त तक अब आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी रहे, मैं आपके साथ रहूंगा। अब इमाम हुसैन की वफादारी में आने वाला कौन था? इसलिए मैं आपको एक चीज दे जाता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत के फैसले हैं, वो जब चाहता है कहीं से भी किसी को हिदायत अता फरमाता है। वो बातिल कुव्वतों के मौजूद पलने वाला बच्चा भी कभी रब तबारक व तआला हिदायत देता है, उसे आलिम बनाता है, और कभी काबे की छांव में पलने वाले को मौला अबू जहल भी बनाता है, गुमराह कर देता है। हुर बिन यजीद मौला हुसैन के पास आ गए। जो बात मुझे कहनी है उसके लिए मुझे इतना वाकया बयान करना पड़ा। मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूं, क्यों मैं ये बयान कर रहा हूं। जब दसवीं मुहर्रम को जंग शुरू हुई, अम्र बिन साद ने तीर चलाया, तो जानते हैं खीमे हुसैन की तरफ से सबसे पहले मैदान में उतरने वाला यही हुर बिन यजीद ही, यही उतरे अपने घोड़े पर सवार होकर उन्हीं यजीदियों से लड़ने के लिए जिनकी फौज में आए थे, उनके मुकाबले में लड़ने के लिए गए। और जब लड़ने की इब्तिदा हुई, सुबह से दोपहर के करीब तक वो लड़ते रहे, जवाल तक। अब जो बात कहना है तवज्जो से सुनो। हुर बिन यजीद ने सुबह से लड़ाई की, बहुतों ने वहां पर मैदान जंग में मुकाबला हराइयां की हैं, लेकिन हुर बिन यजीद की जो लड़ाई है वो तारीख में लिखी हुई। आज उन्होंने यजीदियों के साथ जो जंग किया, कई घंटे जंग करने के बाद जानते हैं तनहा हुर बिन यजीद ने 120 यजीदियों को कत्ल किया। 120 की तादाद, एक घोड़सवार एक ही है, 120 को मार गिराया। उसके बाद जामे शहादत नोश किया। मैं तारीख पढ़ रहा था, वहीं पर हमने किताब को रोक दी। बहुत सारे लोग करबला के वाकयात में इमाम हुसैन के खानदान के बच्चों के शहादत तो बयान करते हैं, उनके जिस्म कट गए, उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हुसैनी शहजादों ने बातिल कुव्वतों के कैसे छक्के छुड़ाए। एक एक जवान ने मुकाबिल में आने वालों को उनकी औकात कैसे याद दिलाई थी। अब सुनो, हुर बिन यजीद, हुर बिन यजीद 120 को मार गिरा सकते हैं, वो भी एक दिन पहले खीमे हुसैन में आने वाला, एक दिन पहले खीमे हुसैन में आने वाला। बात समझ में आ रही है? अभी जो एक दिन पहले खीमे हुसैन में आ जाए उसकी ताकत का हाल ये है, जो पैदाइशी हुसैनी हो उसकी ताकत का हाल क्या हो। मेरे अजीजों, ताकत किसे कहते हैं ये समझो। ये और बात है कि लोगों को अपनी ही औकात मालूम नहीं, अपनी हैसियत मालूम नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताऊं।
अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो गुजरात के हालात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आपने एक बहुत अच्छी बात लिखी जो हम हमारे तमाम चीजों से या आज के जमाने में ये चीज मैच होती है। एक ताजिर तिजारत करने के लिए निकला, उसके पास कुछ कीमती हीरे थे, कीमती हीरे थे, और वो हीरों की तिजारत करता था, और एक चोर उसके पीछे पड़ गया, और वो चोर रोजाना वो चोरी करने के चक्कर में रहता था कि जब रात को ये ताजिर सोए तो मैं ये हीरे निकाल लूंगा। लेकिन दो तीन दिन जब जब वो ताजिर सोता था वो पूरे हीरे चेक करता था, कहीं नहीं मिलते थे, थक गया चोर। तीन दिन के बाद उस ताजिर को उसने पूछा, चोर ने कहा कि तुम हीरे रखते कहां हो, दिन भर तो तुम्हारे पास होते, रात में कहां जाते। तो उस ताजिर ने कहा, अकल का अगर तू इस्तेमाल करता तो तुझे बात समझ में आती, रोजाना मैं तेरे ही जुब्बे में रात को ये हीरे रखकर खुद सो जाता, वो अपना नहीं तलाश करता, इसका तलाश करता। बिला तशबीह हो बिला तमसील, मेरे अजीजों तुम्हारे पास जो ताकत है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। तुम जो मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा अपने सीने में रखते हो, मौला करीम का वादा है तुम्हारे साथ, काना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन। रब ताला फरमाता, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करें, और हमने मदद देखी है रब ताला की, मदद देखी है। आज के इन हालात में मुझे बताओ, भोंकने वाले भोंक ही रहे, बाकी तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया, क्या तुम्हारा खराब किया। बस ये है कि तुम अपने अंदर खलबली मत मचाओ और ज्यादा खौफ और हिरास में मत जियो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मोमिन है, किसी चोर कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम दुनिया की उस अजीम कौम हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब ताला के हुजूर झुकती है, और अपने रब तबारक व ताला के हुजूर ऐसे झुकती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने खुदा को देखने के बाद ही झुकती है। जिसकी भी जाओ, उनके उनके खुदाओं की तस्वीर वहां पर सामने होती तभी झुकते हैं, वो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उन्होंने कोई ना कोई या मूर्ति बनाई है या तस्वीर बनाई है तब वो झुकते हैं। तनहा तुम ईमान वाले हो जो आज तक अपने खुदा को देखा नहीं लेकिन हर दिन सजदा करते हो, तुम्हारा ये ईमान है। और कुरान में शुरू में ही अल्लाह ताला ने जो तारीफ फरमाई सूरह बकरा में, युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाता ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, देखा नहीं। और दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी मस्जिद में अल्लाह की तस्वीर है किसी मस्जिद में? और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है, और जब हुजूर पाक की याद आई बगैर तस्वीर देखे हम खड़े हो जाते हैं, और उनकी मोहब्बत वैसी होती है, हमें किसी तस्वीर और मूर्त को देखने की जरूरत भी नहीं होती। तुम्हारी खसूसियात बहुत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखा है, किसी ऐरे गैरे के सामने झुकने नहीं दिया, पेशानी मुकद्दस है तुम्हारी। हाँ ये तो नहीं है कि तुम किसी दरख्त पर भी चले जाओ, पत्थर पर भी चले जाओ, चूहे पर भी झुक जाओ, सांप पर भी झुक जाओ, नहीं है। एक सहाबी है ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वाकयात ऐसे हैं जो जमाने जहालत में हम करते थे, एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया दोनों क्या है बताओ? उन्होंने कहा पहला वाकया तो ये है जिसको याद करके रोता हूं कि जवानी में जब हमारे घर बेटी पैदा होती थी तो हम उसको गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे, आज मुझे ये बात याद आती है तो रोना आता है कि हमने ऐसे कई बच्चियों को दफन कर दिया। अरब वाले दामाद बनाना नहीं चाहते थे और बेटियों को पहले ही मार देते थे। ये वो सहाबी कहते हैं, अब याद आती है बात तो रोना आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं जमाने जहालत में हमारे खुदा जो होते जिनकी हम इबादत करते थे,
तो जब सफर में जाना होता था तो आटा गूंद करके खुदा बना लेते थे, क्योंकि सफर में जाना है और हर जगह उनको साथ में रखना था खुदा को। वो साहब ही कहते हैं सफर के खुदा और होते थे, हवा का अलग, पानी का अलग, मिट्टी का अलग, सब लेकर के चलते थे। फिर हुजूर ने फरमाया, हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं बीच रास्ते में अगर खाना खत्म हुआ तो कभी खुदा का हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के खाते थे। अरे मेरे अजीजों, 1400 साल बाद आज जब आप हंस रहे हैं, उस सहाबी को तो इस बात पर हंसी आती होगी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शुक्र मनाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने उस कौम में पैदा किया है जिसका माथा सिर्फ वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकती है। तुम ईमान वाले हो। और मैंने आयत यही तिलावत की खुतबे में, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुम अलअला इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान की आयत है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो तो सबसे ज्यादा कामयाब। अब हम पूछते हैं रसूल पाक से ईमान किसे कहते हैं? मेरे आका की जुबान से सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व الناس اجمعين। हजरत अनस से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने और सारे इंसानों से ज्यादा मैं उसके नजदीक महबूब ना बन जाऊं। हुजूर से कामिल मोहब्बत जब तक ना करोगे तब तक ईमान भी कामिल नहीं है। खुलासा कलाम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। बस इसी बात पर आपको आना है। इकबाल भी ये कहता है, मैं जर्मनी गया, यूरोप का सफर किया, वहां की तरक्कियों को देखा और वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं इसीलिए सफर किया कि मैं वहां तहकीक करके आऊं, देखूं अपनी कौम को आकर के मैं बताऊं मुसलमानों को कि किस फील्ड में तुम जाओगे तो कामयाब होंगे, साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो ज्यादा माहिर होगे। कई साल इकबाल ने वहां की खाक छानी, तहकीकात किया और वापस जब आया अपनी कौम की तरफ, अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं सारी दुनिया वहां की यूरोप की छान करके आया, यही देखने गया था कि मेरी कौम किस मैदान में उतरे तो कामयाब होगी। तो लोगों ने पूछा क्या वो तुम्हें राज मिल गया? वो कहते हाँ मुझे राज मिल गया। लोगों ने पूछा किस मैदान में उतरे? तो इकबाल कहता है मैं तो राज को पहुंचा, अपनी कौम को बताता हूं तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सारी कामयाबी का असल राज मेरे आका से बेइंतहा मोहब्बत है। मैं दीनी शख्सियात की बात अपनी जगह पर, जो जिसको आप दुनियावी उलूम कहते हैं, लाओ मैथ्स का कोई बहुत बड़ा माहिर रियाजीदान या कोई साइंटिस्ट आपको ऐसा लगता हो, लाओ मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के सामने। जानते हैं आप उस आला हजरत फाजिल बरेलवी ने 55 उलूम पर अपनी तहकीकात लिख दी है, बाकी जानते कितने थे वल्लाह ही बेहतर जानते। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में उनके पास ऐसी ऐसी इजादात थी। एक किताब आला हजरत ने लिखी है ज्योमेट्री पर, आज के बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं वो जानते होंगे, ज्योमेट्री की भी कई उसमें अकसाम लिखी गई हैं। और आला हजरत ने एक किताब लिखी है कशफुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, क़िबला पहचानने का इल्म। तुम तो आज वो कंपास लेकर के पहचानते हो ना, अब तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल को घुमाओ इधर दिखा रहा उधर, उधर दिखा रहा उधर क़िबला। मेरे अजीजों इस्लाम मशीनों से नहीं चलता है। इसका सेल चला गया तो क्या तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा? इसकी बैटरी चली गई तो क्या तुम्हारा दीन चला जाएगा? नहीं, इस्लाम मुकम्मल कवायद और जवाबित के साथ है। सारी मशीनें खत्म भी हो जाए, इस्लाम ने तुम्हें कायदे बनाकर दिखाए हैं प्रैक्टिकल। ये किबला पहचानने का इल्म होता है, शहर का तूलुल बलद अर्जुल बलद देखना होता है, बहुत सारी उसमें चीजें, उसकी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है, फिर सितारों को देखा जाता है, फिर पहचाना जाता है किबला।
उसको हिसाब में लगाया जाता है। आला हजरत ने ये जो किताब लिखी पूरे 1400 साल में, आला हजरत की ये किताब जिसमें 10 कायदे खुद उन्होंने ईजाद किए, उनसे पहले किसी ने नहीं लिखी, खुद उन्होंने ईजाद किए। और उसके बाद आला हजरत ने चैलेंज के साथ कहा कि मैंने फकीर ने ये 10 कायदे ईजाद किए हैं, इस पर कोई अमल करके किबला पहचानना चाहे तो उस पर अमल करके खड़ा हो जाए, अगर हिजाबात हटा दिए जाएं तो काबा उसकी नाक के सामने होगा। आला हजरत ने लिखा है काबा आयन उसकी नाक के सामने होगा, परफेक्ट कायदे उन्होंने लिखे। ये कायदे कहां से आए? हिसाब, मैथमेटिक्स, जो अलीगढ़ के प्रोफेसर अपने फंसे हुए मसाइल हल करने के लिए आला हजरत के पास आए। वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं आपसे कहता हूं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर साहब अलीगढ़ के, वो लंदन या ऑक्सफोर्ड जा रहे थे या जर्मनी जा रहे थे कुछ मैथ्स के फंडे हल करने के लिए। आला हजरत के खलीफा ने उन्हें मशवरा दिया कि चले मौलाना अहमद रजा साहब बरेली में रहते हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाए, मौलवी लोगों का काम है, प्रोफेसर जिसमें फंसा हुआ है। उन्होंने कहा लंदन और जर्मनी जाने में जितना खर्चा आता है उससे कम ही बरेली को लगता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। वो आए आला हजरत के यहाँ, वो मौलाना सैयद सुलेमान साहब के कहने पर जब आला हजरत के पास आए, असर का वक्त था, अजान हो चुकी थी, आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे। प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा एक बहुत पेचीदा मसले में फंस गया हूँ, मैथ्स का, रियाजी का, हिसाब का हल नहीं होता, इसके लिए मैं बाहर का सफर कर रहा था। आपके शागिर्द मौलाना सुलेमान साहब ने कहा कि आपसे मिलने। आला हजरत ने कहा दिखाएं क्या मसला है। उन्होंने कहा इतने शॉर्ट टाइम में यह हल नहीं होगा, नमाज के लिए आप जा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया फिर भी दिखाओ। आला हजरत को उन्होंने वैसे ही खड़े दिखाया, देखते ही आला हजरत ने उंगलियां रखी और कहा इसका यहां से, इसका यहां से, फलां का यहां से, इस तरह आप लगा करके देख ले, मैं असर की नमाज से फारिग होकर आता। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं उन्होंने चुटकियों में यूं हल किया, मैं जब बैठ करके उस मसले को लगाया तो तुरंत 2 मिनट में वो मसला हल हो गया। अब जिसके लिए मैं ये वाक्य अर्ज कर रहा हूं सुनो, वो हैरत में आंखें फटी फटी रह गई उस प्रोफेसर साहब की। उधर नमाज होने के बाद आए आला हजरत, तो वो अशाश करने लगे, कहा मौलाना साहब मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि मदरसे का कोई मौलवी मैथ्स के इतने टफ फंडे को हल कर लेता हो। मौलाना ये तो बताएं ये रियाजी और ये मैथ्स के मसले आपने किससे सीखे? कौन है आपको? किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी से आपने सनद हासिल की है? यही मुझे कहना है मेरे। अब आला हजरत का जवाब सुनो, कहते हैं जनाब मैंने अपने वालिद से सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीपल के मसले सीखे, जमा, नवी और जरब, हमारे वाली साहब ने बस इतना ही सिखाया। और उस वक्त बचपन में मुझे मंतिक, फलसफा, ये सब किताबें पढ़ने का शौक था। मैं हिसाब के, ज्योमेट्री की ये किताबें लेकर बैठा। मेरे वालिद आए, देखा, पूछा अहमद रजा क्या पढ़ रहे हो? मैंने दिखाया ये मंतिक है, फलसफा है या हिसाब की किताबें हैं। मेरे वालिद ने वो किताबें अपने हाथ में ले ली और कहा जा रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़, सदके में सारे इल्म दे दिए जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के कदमों में लगा दी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के कदमों से छन कर मुझे मिला। बस बात समझ जाओ, ताकत इसी को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला वो दुनिया के किसी मैदान में भी तन्हा नहीं होता, तन्हा नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं इस बात की तरफ आपको ले जाता हूँ। एक सहाबी हजरत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु तआला, इनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सिपाही जितने गजवात में गए, जितनी जंगों में गए, कभी घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल। और वह ऐसा पैदल चलते थे कि कोई घोड़ा भी उनके साथ नहीं पकड़ पाता उनको जब वो भागते थे। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद उन्हें नहीं पकड़ पाता। उनको लकब मिला था राजिलु रसूलिल्लाह, छल करके सफर करने वाला रसूलुल्लाह का सिपाही। एक बार ऐसा हुआ, एक बनू कारा का शख्स जिसका नाम अब्दुर्रहमान, ये मुनाफिक था, खबीस था,
इसने तकरीबन 400 लोगों को जमा किया अपने हम मिजाज लोगों को, और मदीने पर रात के वक्त एक बागीचे पर हमला किया, पूरे बागीचे को आग लगा दी, और उसके बाद फिर जो खजूरें थी वहां से सब लूट लिया, लूट करके अपने घोड़ों पर रख लिया और निकल पड़ा। उस वक्त सिवाय हजरत सलमा बिन अकवा के कोई नहीं था, उधर 400 लोग लूट मार कर रहे हैं और खजूरें जमा कर रहे हैं, और ये तन्हा सहाबी, इस सहाबी का हाल ये है, घोड़ा भी नहीं होता था कभी नहीं। अब इनको जलाल आया कि मेरे मुस्तफा के शहर की एक खजूर भी मैं बाहर जाने नहीं दूंगा जो चोरी करके जा रहा है। उसके बाद आपने पीछा करना शुरू किया, और हकीकत देखें आप जब हदीस पढ़ेंगे, आला हजरत ने अल मलफूज में भी इसको नकल फरमाया, जब तक मैं ये हदीस पढ़ रहा था इतनी हंसी भी आती है, और उनकी इस बहादुरी पर दिल खिल जाता है और सीना चौड़ा होता है कि वो अकेले किस बात पर भाग रहे थे उनके पीछे, 400 लोगों के पीछे भाग रहे। अच्छा कोई ये कहे कि नादान आदमी है, 400 लोगों को नहीं देख रहा, अकेला भाग रहा है, हो सकता है इनको कोई कह दिया हो, लेकिन मुझे हैरत उन 400 पर हो रही है जो एक से डर के भाग भी रहे थे, वो भी भाग रहे हैं, एक दौड़ा रहा है और 400 भाग रहे। वो अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला कारी भागा जा रहा है और सबसे कह रहा है सलमान बिन अकवा से अपनी अपनी जान बचा लो। इसीलिए मैं कहता हूं ये बुजदिल कौमें हैं, मेरे मुस्तफा के गुलामों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती जिसके सीने में इश्क मुस्तफा हो। 400 भागते रहे और ये भगाते रहे बहुत दूर तक। जब हजरत सलमा बिन अकवा भागते थे तो घोड़े भी पीछे पड़ जाते, और आप जैसे जैसे कोई घोड़ सवार आता उसकी टांग पकड़कर खींचते और उसकी गर्दन पर पैर रखते फिर आगे निकल पड़ते थे। न जाने कितनों को उन्होंने तनहा अपने हाथों से गिराया, कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं, गिराते भी हैं और उनकी गिरी हुई खजूरें जमा भी करते कि मुझे मदीने वापस ले जाना है। उस सहाबी को मैं पढ़ता हूँ, अजीजा ने गिरामी खजूरें जमा करते रहे और उन्हें भगाते रहे, आखिर में वो 10-10 की टुकड़ियों में बदल गए। वो अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला कहने लगा एक साथ मत भागो, ये अकेले सबको भगा रहा है, 10 इधर जाओ, 10 उधर जाओ, 10 उधर जाओ। जालिमों पलट कर मेरे मुस्तफा के गुलाम का मुकाबला करके देखते, लेकिन किसी से नहीं हुआ। वो पहाड़ की चोटियों में चले गए, हजरत सलमा बिन अकवा पहाड़ पे भी चढ़ने लग गए। तो अब्दुर्रहमान कारा वो कहता है वहीं से चीख करके, सलमा बिन अकवा तुमको क्या चाहिए, क्यों पीछा कर रहे हो? कहा मैं शहरे रसूल की एक खजूर भी जब तक तुम्हारे पास होगी पीछा करता रहूं। उसने वहीं से अपने सारे साथियों को पुकार कर कहा सारे लोग खजूरें फेंक दो, अपनी जान बचा। सबों ने खजूरें दे दी, हजरत सलमा बिन अकवा पूरी खजूरें जमा की, कितनों को रोनते हुए वापस आने लगे। जानते हैं एक सहाबी और है हजरत अबू कुतादा जिनको फारिसु रसूलुल्लाह कहा जाता है, उनका घोड़ा दौड़ता हुआ उनको दौड़ाता हुआ, हजरत अबू कुतादा उस पर हैं और 10 लोग और साथ हैं, वो हजरत सलमा बिन अकवा की मदद के लिए आ गए। जब वो आए तो ये अक्सर को तो गिरा चुके थे, खजूरें ले भी चुके थे। हजरत अबू कुतादा 10 सहाबा के साथ जब आए, हजरत सलमा बिन अकवा की और मदद हो गई। अब ये मदीने आने लगे तो तवज्जो चाहता हूँ। हजरत सलमा बिन अकवा ने पूछा, मैं तो अकेला दौड़ा रहा था, कोई मुझे न देखा था न ये वाकये की किसी को खबर थी, तुम यहाँ तक कैसे आए, तुमको किसने भेजा मेरी मदद के लिए? मुसलमानों याद रखो, मेरे मुस्तफा की वफादारी में जब कोई निकलता है तो कहां से मदद आती है अंदाजा भी नहीं होता। हजरत सलमा बिन अकवा ने उनसे पूछा अबू कुतादा से, तुम आए कैसे? हजरत अबू कुतादा ने जो जवाब दिया वो और ताज्जुब का था, कहा हमने नहीं देखा, हमको मालूम भी नहीं तुम किसके साथ गए हो, हमें ये वाकया भी नहीं मालूम, लेकिन हम अपने खीमे में बैठे थे, हमारा ये घोड़ा दौड़ता हुआ है, ये घोड़ा दौड़ता हुआ आया और दोनों पैर बार बार उठा करके हिनहिनाने लगा। मेरा घोड़ा ऐसा कभी करता नहीं, वो जिहाद में जाने वाला घोड़ा है, फरमा बरदार है। अबू कुतादा ने उसको सहलाया लेकिन फिर भी वो खामोश नहीं हुआ। हजरत अबू कुतादा कहते मैं पहचान लिया वो अपनी पीठ पर मुझे सवार करना चाहता है, मैं इसकी पीठ पर बैठ गया,
मेरे साथी भी ताज्जुब में थे, इतनी वक्त गुजर जाने के बाद घोड़े को न भूख लगी है न प्यास लगी, ये कहाँ ले जा रहा है। अबू कतादा कहते ये घोड़ा है जो तुझ तक हम सबको ले आया। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा हाँ मुझे याद है जब मैं उन 400 को दौड़ा रहा था तो तुम्हारा घोड़ा मुझे देख रहा था। पता ये चला दुनिया का हर जानवर भी मेरे मुस्तफा का वफादार है। अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व हुरमत के लिए उठते हो तो चूंटियां अपने सुराख में तुम्हारे लिए दुआ में मशगूल हो जाती हैं, मछलियां पानी में तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। अजीजाने गिरामी वकार, आज मैं अपने जुमलों को समेटते हुए ये बात कहता हूँ, धोरा जी की सरजमीन मैंने कभी सुना नहीं या कभी आपसे मुलाकात नहीं की, लेकिन इतना बड़ा मजमा हमें जो सुनने के लिए बैठा, लोग मुसाफे के लिए आए, फूल हार पेश किए, टूट पड़ते हैं मुलाकातों के लिए। मैं अक्सर जलसों में भी और अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, मुझे जो आप इज्जत की निगाह से देखते हैं या मिलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि किसी बाप का बड़े बाप का बेटा है या किसी सियासी पार्टी का नेता है। आपकी जो मोहब्बत है वो सिर्फ इसलिए है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जो कुछ भी इज्जत मिली है हमें आज वो किसी और सलाहियत की वजह से नहीं। साफ मैं बता देता हूं, मैं मुकर्रर आदमी नहीं, मैं खतीब आदमी नहीं, मैं वो शोलाबार मुकर्रर नहीं हूं कि जिनकी तकरीरों से लोग बहुत ज्यादा नफा उठाते हो। मैं तो तालिबे इल्म आदमी हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वफा करना जानता हूं कि मैंने यह अहद कर लिया है मेरे जिस्म में जब तक खून बाकी रहेगा एक भी सालिम कुत्ता मेरे आका की तरफ उंगली भी उठाए हम अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी का जज्बा है, इसलिए मेरे आका ने यह इज्जत अता की है। फिर मुझे यह कहने का हक भी है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे अजीजों इस बात पर आज तुम्हारा इत्तेहाद होना है, आज तुम्हारा इत्तेहाद होना है। मैंने काफी इलाकों के दौरे की और देख लिए, लोग जो कहते हैं हम बिखरे हुए हैं बटे हुए हैं टुकड़ों में हैं, लेकिन मैंने सबको देखा, यकीनन फिरकों में भी बटे हैं सिलसिलों में भी, हालांकि सिलसिलों में इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए, जो सलासिले हक्का हैं वो सब मदीने तैयबा की नहरें हैं, इख्तिलाफात नहीं, लेकिन उसके बावजूद बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे से मुसाफा नहीं करना चाहते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ना चाहते, जो खाली सुन्नी होकर भी ईमान वाले होकर के भी। मैं बहुतों से ये शिकायतें सुना कि हम में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका हल तकरीरें हैं तहरीरें हैं, लोगों को समझाना है इस्लाह करना है, सब करके देख लिया। लेकिन एक बात मैंने खुद प्रैक्टिकल देख लिया कि हजार टुकड़ों में क्यों ना बटे हों लेकिन मेरे मुस्तफा का नाम आ जाए तो हर कोई मुत्तहिद नजर आता है। यह हमने देख लिया है, यह हमने देख लिया है। किसी भी पीर से बैत क्यों ना हो, मैं दूसरों की बात नहीं करता, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा है जाकर के, किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से बैत क्यों ना हो, अगरचे उसके आपस के झगड़े हों, लेकिन हमने एक मजमे में मुझे सुनने वालों को ऐसे इख्तिलाफ वालों को भी देखा, दोनों सुन रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत पर बात आए तो तुम में से कौन खड़ा हो सकता है, हर इख्तिलाफ रखने वाला भी ये कहता है या रसूल अल्लाह ये जिस्म भी तुम्हारा ये जान भी तुम्हारी, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, ये हर एक का नारा है। इससे पता ये चला कि आज तुम सबको अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम मोहम्मद है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। गुंबदे खजरा की छांव में सबको जमा करो, इंशाअल्लाह अजीज इत्तेहाद बरकरार रहेगा।
असल की तरफ नजर रखो, बादशाह की तरफ नजर रखो। बाकी जितने वली हैं, जितने पीर हैं, सब वजीर हैं, सब वजीर हैं। बादशाह सिर्फ मेरा मुस्तफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम शहंशाह तस्लीम करते हैं। लिहाजा अगर बादशाह की तरफ नजर होगी तो तुम्हें शैतान ये इस तरह की लड़ाइयों में नहीं रखेगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तुम सबका मिशन अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी नामूस हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हमने देखा बड़े बड़े इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। हजरत अबू जर गफारी, हजरत बिलाल हबशी दोनों में झगड़ा हो गया था, तकरार हुई। हजरत अबू जर गफारी ने सिर्फ हजरत बिलाल को गुस्से में आकर कहा, काली औरत के बेटे या इब्न उम्मे सौदा, ये तकरार में हो जाता है। हजरत बिलाल को ये बात लग गई, थे तो काले लेकिन साहबी ने कहा था काली औरत के बेटे। हुजूर के पास जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू जर ने मुझे आज यूं कहा, अबू जर ने मुझे आज यूं कहा काली औरत के बेटे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल बाहर आए, बुलाया अबू जर कहां है, आए। हुजूर पाक ने उनको मुखातिब करके सिर्फ इतना फरमाया, अफीकल जाहिलिया, अभी तक तुम्हारे अंदर पुरानी जाहिलियत बाकी है। तीन बार पूछा और उसके बाद मेरे आका चले गए, कुछ नहीं फरमाया। पुराने जमाने की काफिरों की जाहिलियत अभी बाकी है, जो मां के नाम से लोगों को गालियां देते या पुकारते थे। हजरत अबू जर गफारी को इतनी बात लग गई कि मेरे आका मुझसे रूठ गए, मेरे आका के दिल पर यह बात लग गई। तो उन्होंने ये नहीं किया कि देखा जाएगा बाद में क्या होगा, नहीं, सीधे मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल को ढूंढने के लिए कहां है। हजरत बिलाल मिल गए तो उनका हाथ पकड़ करके लाए। अबू जर गफारी जमीन पर लेट गए, सो गए, कहा है बिलाल मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सख्त जुमला कहा, मुझे माफ कर दे। हजरत बिलाल ने कहा ठीक है, मैंने माफ कर दिया, हो गई बात। लेकिन हजरत अबू जर गफारी ने कहा नहीं, मेरा दिल इस पर सुकून नहीं मानेगा, एक काम करो ए बिलाल, तुम अपना ये पैर मेरे चेहरे पर रगड़ो, ये तुम्हारा तलवा जिसको मैंने काला कहा था उसी तलवे से मेरे चेहरे पर तुम रगड़ो, ताकि मुझे मेरी हैसियत पता चल जाए। हजरत बिलाल क्या उनकी बात पर अपना पांव उनके चेहरे पर रगड़ देते। दोनों हाथों से उनको जमीन पर उठाया और सीने से सीना लगाया, कहा है अबू जर कैसी बात करते हो, जिस आका के तुम गुलाम हो उसी आका का मैं भी गुलाम। मैंने ये तारीख में पढ़ा है, अगर सख्तियों को कोई चीज जोड़ सकती है तो मेरे आका की मोहब्बत है और मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। तुम्हारे सीने चौड़ा कर देगी, तुम्हारा दिल कुशादा कर देगी, तुम अपनों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे अपने नबी की निस्बत पर। हाँ एक बात याद रखें, मैं ये सिर्फ मेरे आका की निस्बत वालों के लिए कह रहा हूं, बाकी हमारा अकीदा तो ये है नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हम उसको मानते ही नहीं, चाहे बापों की माँ हो जो मेरे नबी को नहीं जानता, जो मेरे आका की असमत को नहीं पहचानता, मैं उनके बारे में नहीं कहता। हाँ हमारे एक उस्ताद बुजुर्ग, उन्होंने फरमाया था कि बेटा बात करने का लहजा नरम रखना हमेशा। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरों को अभी अभी जो सुनते हैं वो कहते हैं बहुत कड़क बोलते हैं, सख्त बोलते हैं। मेरे अजीजों पिछले 15 साल से करते हैं हम तकरीर, अखलाकियात पर, तसव्वुफ पर बहुत सारे नरम अंदाज में गुफ्तगू करने के हम आदी थे, वो सब नहीं देखते। लेकिन जहां हम थोड़ा सा चीखते हैं या गरज के साथ बोलते हैं वो बहुत जल्दी किसी को लगती है और कहते हैं आप बहुत कड़क लहजे में कहते हो। 90% हमने नरम लहजे में बात किया है, लोगों को अखलाकियात सिखाया है, चोरी जिना डकैती सूद शराब इन सब की मजम्मत पर बयानात हमने रिकॉर्ड किए, वो सब नजर नहीं आता, लेकिन सख्त जुमले बहुत जल्दी नजर आते। लेकिन ये मैं क्यों करता हूं वो भी आपको बता दूं। हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद ने फरमाया, कहा कि बेटा नरम गुफ्तगू करने की आदत रखना, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है नरमी से कलाम करना। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी भर नरमी से बात करो लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत या दुश्मनी किसी में देखो तो फिर ना तुम्हारी जुबान मीठी होनी चाहिए, ना दिल नरम होना चाहिए, ना दिमाग ठंडा होना चाहिए। हाँ ये ईमान का तकाजा है,
हम जो सख्त बात करते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कड़क नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं हजरत उमर फारूक कितना बोलते थे। हाँ, उमर बिन वहब एक शख्स था जो हुजूर के कत्ल का इरादा करके आया था मक्का से। सफवान नाम का एक और शख्स, उमर नाम के दो लोग हतीमे काबा में बैठकर मीटिंग करके आए, क्योंकि सफवान का बाप जंगे बदर में मारा गया था, उमर का बेटा जंग में कैदी होकर हुजूर के पास कैद था। दोनों का प्रॉब्लम सेम था, दोनों लोग हतीमे काबा में बैठ करके फैसला करते हैं। सफवान ने कहा मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, एक तलवार को जहर में बुझा कर जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन वहब तलवार छुपा करके मदीने आया, लेकिन जिस वक्त वो आया हजरत उमर फारूक चंद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। देखते ही उसकी गर्दन में जो है ये गमछा डाला रुमाल और कहा खुदू हाद अलकल, पकड़ो इस कुत्ते को। यह हजरत उमर की जुबान से निकले, कहते पकड़ो इस कुत्ते को, यही वो है जो बद्र के अंदर मैदान बद्र में मक्का वालों को भड़का रहा था जंग पर हुजूर के खिलाफ, या मदीने में आया पकड़ो इसको। हजरत उमर बाहर ही सब कर देते, लेकिन कहा कि मैं हुजूर से पूछ के आता हूँ इसका करना क्या। मेरे आका के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह शैतान कुरैश आया, कुरैश का शैतान आया है उमर बिन वहब, और मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया। हजरत उमर पहले ही भांप रहे, मुझे लगता है वो बुरी नीयत से आया है, क्या करना है आप हुक्म फरमाए। मेरे हक्का ने फरमाया उमर उसको अंदर ले आओ। उमर बिन वहब को वैसी गर्दन में वो गमछा डाल के घुमा के अंदर ले आए मस्जिद नबवी। हुजूर ने पूछा, हजरत उमर से कहा छोड़ दो। जब अंदर आया तो पूछा हुजूर ने क्यों आए उमर, अब वो झूठ बोलने लगा। मेरा बेटा आपके पास कैदी है, खैर खैरियत पूछने के लिए आए और क्या। मेरे आका ने फरमाया सच सच बताओ क्यों आए हो। उसने फिर कहा मैं अपने बेटे की खैरियत मालूम करने आया हूँ और क्यों आया हूँ। हुजूर ने फरमाया खैरियत मालूम करने आए तो तलवार लेके क्यों आए हो। उसने तलवार दिखाने के लिए फेंक दिया, कहा इस तलवार का क्या होना है, तलवार तो हमारे पास बद्र में भी थी लेकिन पता आप ही के साथ थी। बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे आका को जलाल आया और कहा उमर वो बात क्यों नहीं बोलते जो तुम सफवान के साथ काबा के हतीम में बैठकर करके आए हो। मदीने में बैठा रसूल खाने काबा में होने वाली गुफ्तगू को सुन रहा, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हदीस मौजूद है, सही हदीस है। इसी हदीस के तर्जुमानी करते हुए हम तो यकीदा रख ही सकते हैं ना, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने मुस्तफा की समाअत पे। हाँ, ये अकीदा बरेली वाले का जो है वो अपने पेट का अकीदा नहीं, ये सहाबा का अकीदा है। मेरे अजीजो जब मेरे आका ने फरमाया वो बात बताओ जो हतीमे काबा में करके आए, अब थर 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 कांपने लग गया। इससे इस रसूल से क्या छुपाए जो हतीमे काबा में तन्हाई में होने वाली मीटिंग को भी जानता हो। कहा अब मैं क्या बताऊं जब आपको सब मालूम है, अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ईमान ले आए। अब सुनिए मेरे अजीजों, ईमान लाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि अब इस्लाम पर कायम रहो, ईमान पर बरकरार रहो। कत्ल करने के लिए आया, मेरे मुस्तफा का गुलाम बन गए। अब उसके बाद हजरत उमर क्या कहते हैं, हजरत उमर जो गमछा गले में डाल के अंदर लाए थे अब गले में हाथ डालकर बाहर ले जाते हैं, और बाहर जो साथी खड़े थे उन सबको मुखातिब करके कहते हैं लोगों सुनो, हजरत उमर के अल्फाज सुने, कहते हैं थोड़ी देर पहले ये जो शख्स तुम देख रहे हो मुझे खिंजीर इससे अच्छा लगता था। अल्लाह, ये लफ्ज भी है, वल्लाही इन्नी लअहब्बु खिंजीरन मिन हाज़ा, कहते हैं कि इससे बेहतर मैं खिंजीर को समझता था क्योंकि ये दुश्मन रसूल था। लेकिन अब सुनो ऐ लोगों, अब मेरे सगे बेटे से ज्यादा मुझको ये अजीज है, इसलिए कि मेरे आका का गुलाम। यही ईमान है, यही ईमान। अजीजाने गिरामी, खुलासा कलाम मेरी बात का यही है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, अगर पहचानना हो तो मेरे अजीजों पहचानो, तुम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक अगर पहुंच गए तो यही दीन है। ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हम गर्ब उन रसी दी तमाम भूल हबीश,
अपने आप को हुजूर तक पहुंचा दो, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सके, जिंदगी पूरी अबू लहब की तरह है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो मेरे आका की जात ही है, हर जगह है, और उसी की तरफ हमें सबको मुतवज्जे होने की आज जरूरत है। ताकत किसका नाम है, मैंने शुरू इसी बात से किया था, इसी पर खत्म करता हूँ। ताकत और कुव्वत सिर्फ बॉडी बनाने को नहीं कहते, ताकत और कुव्वत सिर्फ और सिर्फ काजू बादाम खाने को नहीं कहते, ताकत और कुव्वत उसके अंदर है जो देखने को अगरचे कमजोर लगता हो, लेकिन दुश्मनों के सीने उसकी याद से ही आज भी खलबली मच जाती हो। हमने देखा है 100 साल पहले की बात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां, नाम तो हर बच्चा जानता है आज, और अपनों से ज्यादा गैर भी जानते हैं और थरथराते भी हैं, लेकिन क्या कभी तुमने आला हजरत की सीरत में ये पढ़ा कि उनका जिस्म कैसा था, उनका जिस्म कैसा था? बहुत लहीन शहीन, चौड़े सीने वाले, बड़े बाल वाले, ऊंचे चेहरे वाले, नहीं मेरे अजीज हो, तारीख में आप पढ़ोगे आला हजरत कसरत से लिखने की वजह से, कसरत से इबादत की वजह से जिस्मानी एतबार से बड़े दुबले पतले थे, बड़े दुबले पतले थे। लोग देखने वालों ने यह कहा है, जिस्मानी साख्त ऐसी नहीं थी कि कोई पहलवान नजर आता हो, दुबले पतले थे, नहीव थे, देखने में कमजोर लगते थे, लेकिन मजाल है जब वो आशिक रसूल का कलम चलता था, कलम चलता था, और वो भी यूं पुकार कर कहता था, ये रजा के नेजे की मार है, कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। और फिर उन काफिरों को कहा था उस इमाम अहले सुन्नत ने, किलके रजा है खंजरे खूंखार बर्दबार। ये कोई दावा नहीं कर सकता आज। किल्क किसको कहते हैं, समझा भी देता हूं मैं आपको, किल्क रजा, आला हजरत अपने कलम को कह रहे हैं, किल्क मतलब कलम, रजा का कलम कैसा है, खंजरे खून खार बरकरार, यानी खून पीने वाला खंजर और चमक पैदा करने वाली जो बिजली होती है। आला हजरत बड़े नरम दिल भी थे, रहम दिल भी थे, अपनों को जब नवाजते थे तो बेहिसाब नवाजते थे, आजिजी ऐसी कि बच्चों से भी माफी मांगते, आजिजी ऐसी, और अपने पीर खाने पर जाने की बात आए तो चप्पलें कितनी दूर छोड़ जाए, गुरूर और घमंड की बात नहीं, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के दुश्मनों से मुकाबले की बात आती तो यूं कहते, तुम क्या समझते हो, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर कर। ये बात ईमान के तकाजे की है। मैं आज हर आलिम से मिंबर पर बैठे हुए और हर मोमिन से यही कहना चाहता हूं, जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए सर चढ़कर बोलना सीख जाओ। मेरे आका ने फरमाया है, जालिम और जाबिर बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद है। और ये तो कर ही सकते हो, उन पाखंडियों को लफ्ज जिहाद से भी डर लगता है और लफ्ज जिहाद पर ही बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। हाँ, लोग ये कहते हैं मौलाना जिहाद के लफ्ज पर थोड़ा साइड होकर के बात कर लेते हैं, तुम बुजदिल क्यों बने जा रहे हो, लफ्ज जिहाद एक पाकीजा लफ्ज है, मुकद्दस लफ्ज है, इस लफ्ज को अगर निकाल दिया तो मेरे आका की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। कैसे बताओगे नबी पाक की सीरत, बदर को क्या कहोगे, तकरार हुई थी, खंदक उहद तबोक खैबर ताइफ ये सबको क्या कहोगे, तकरार हुई थी, जिहाद लफ्ज है, सेल्फ डिफेंस का नाम है, इतना हक तो हर एक को है मेरे अजीजों। लेकिन ये तो आज मैं ये बात भी नहीं कर रहा हूं तुमको, तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, गोली मारो, बंदूक से लो, ये सब बातें तो हम करते भी नहीं, हमें जरूरत भी नहीं, लेकिन हमें पता है हमारे अल्फाज ही काफी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके सीने में, मेरे आका ने जब ये फरमाया है कि हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद है, तो इस पर तो हर कोई आज अमल कर सकता है। हक बात कहो, मिंबरों से कहो, और ट्रस्टियों से भी कहता हूं, उलमा को कहने की आजादी भी दो कि वो बुज़दिल न बनाए, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। एक बात समझ करके चले, हम मुल्क के खिलाफ कानून के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, मुल्क हमारा भी, देश हमारा भी,
और यहाँ के कवानीन जिस पर हम अमल कर रहे हैं, खुशी से अमल कर रहे हैं, लेकिन इन जालिमों ने क्या बना दिया है, इनके नजदीक देश पूरा मोदी है। हाँ, इन साहब के बारे में मत बोलो, वो देश है, कल को अगर नहीं रहे तो देश चला जाएगा। मेरे अजीजों, किसी व्यक्ति किसी शख्स की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करने का नाम देश के खिलाफ बोलना नहीं है। हम अपने देश से मोहब्बत ऐसी करते हैं, ऐसी करते हैं। आज भी आजादी का दिन है ना, आजादी का दिन है, ये लगे हाथों ये बात कहकर के गुजरता हूं। आज भी जाकर के देखें इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा शहीदों के नाम जो लिखे गए हैं वो मुसलमानों के हैं। इनको क्या पता है 1857 से जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे। आजादी का परचम सबसे पहले बुलंद करने वाला कोई संगी नहीं था, वो शहीद टीपू सुल्तान था। सबसे पहले तोपमैन हिंदुस्तान का, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला, पूरे अंग्रेज उसके खिलाफ खड़े थे। इनको आज बोलने की तौफीक भी नहीं मिलती। और उसके अलावा वो उलमा की बात कहां चली गई। आज अंग्रेज तारीख दान ने लिखा है कि सबसे ज्यादा हमें खतरा हिंदुस्तान में मुसलमानों से था, और हमने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कोई एक झाड़, कोई एक दरख्त बाकी नहीं था जिसमें हमने एक आलिम को लटकाया नहीं था फांसी पर। जिनकी तादाद गिनी गई है तो तकरीबन 26,000 उलमा को इन्होंने फांसी दी थी, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। मुझे बताओ जजीरा अंडमान निकोबार में किसको भेजा है? मौलाना फजल हक खैराबादी, इनायत अहमद काकोरवी, ये तमाम वो लोग हैं। अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी जिनकी किताब आज तकरीबन हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, इल्म सिखा। ये किताब यहाँ चटाई पर बैठकर लिखी हुई नहीं, उस जेल की दीवारों पर लिखी हुई किताब, उसको पढ़ करके आज बच्चे आलिम बनते, हम भी पढ़े। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हक बात कहने की बुनियाद पर जिंदगी भर जेल में डाल दिया गया। आज ढूंढ करके निकालो मौलाना फजल हक खैराबादी का मजार कहाँ है, और इंदमन निकोबार में जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी। किफायत अली काफी का नाम सुना है मेरे अजीजों? ये नाम का जिक्र आना तो हक बनता है आज की रात जरूर। मुरादाबाद शहर का वो आलिम रब्बानी, वो सिर्फ और सिर्फ मुजाहिद आजादी नहीं बल्कि फना फिर रसूल भी था। आप इसी से अंदाजा लगा ले, आला हजरत जैसा आशिक हदायके बख्शिश लिखने वाला। आला हजरत के अशआर तो पता है ना, इमामुल कलाम कहते हैं। आला हजरत की नातों को इमामुल कलाम कहते हैं। सारे कलामों का इमाम आला हजरत की नाते हैं। पढ़ करके देख लो वजद आ जाए हुजूर की नाते। लेकिन उस आला हजरत से पूछा गया, आप किसकी नाते पसंद करते हैं? आला हजरत फरमाते हैं, मैं सिर्फ दो ही लोगों की नाते सुनता हूँ, या तो हसन रजा बरेलवी की, या अल्लामा किफायत अली काफी की। आला हजरत जिसकी नाते सुनते हो इसी से अंदाजा कर सकते हो किफायत अली काफी कौन थे। मैं अक्सर जगहों पर इनका तस्करा करता हूं ताकि बच्चों के जहनों में ये बात मुंतकिल हो जाए। अब मैं आपको बताऊं, उनकी जुबान में अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि वो जब इश्क़े रसूल पर बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, उनकी तरफ आ जाते, और अंग्रेजों को ये बात कतान पसंद नहीं थी। उन्हें कई तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आखिरकार एक मुनाफिक के जरिए से मौलाना किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज आए। कितने जानते? 3,000 लोग आए एक आलिम को गिरफ्तार करने। हमेशा कुत्ते झुंड में ही आते हैं। मॉब लिंचिंग भी जो है ना कुत्ते झुंड में ही करते हैं। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके ले गए दारुल इमारत में। अंग्रेजों ने रात के वक्त किफायत अली काफी के कपड़े खोले और उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरी, इस्त्री से पूरा दागते थे, और जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। हफ्ता भर तक अल्लामा किफायत अली काफी को उन्होंने ये दर्दनाक सजाएं दी। बीच में कई मरतबा उनको सामने ऑफर रखा, तुम बदल लो अपनी बातें, छोड़ दो अपनी इस कौम को वरगलाना, छोड़ दो ये सब जो तुम तकरीरें करते हो, हम अपने हुकूमत में तुम्हें ले लेंगे, वजीफा भी देंगे, ओहदा भी देंगे। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम गलत जगह हाथ मारे हो। हाँ, ये वो जगह नहीं है जहां से 500 पाउंड लेकर के कौवा भी हलाल कर दिया जाए, हर चीज जो है तुम्हारे हिसाब की बना दी जाए, ये वो जगह नहीं है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, तो फिर तुम मरने के लिए तैयार रहो। कहा खुशी से। 8 दिन के बाद उनको एक चौराहे पर ले जाकर फांसी का फंदा लगाया गया, और पूरे मजमे में आपको फांसी के लिए चढ़ाया गया।
अंग्रेजों ने पूछा था कोई आखिरी वसीयत है तुम्हारी, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो लोगों में। फांसी पर चढ़ने वाला ये कहता होगा मेरी बीवी से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर दूं, मेरे बाद कौन बैठेगा वो कह दूं, लेकिन किफायत अली काफी की बात पर कुर्बान जाओ। उस भरे मजमे में कहते हैं हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इस ख्वाहिश का हम अदब करते हैं, कर लो। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले क्या मगन होकर के गुनगुना रहे थे, यूं कह रहे थे कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने वे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी, वो लेकिन नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये नाते पाक गुनगुनाते हुए चढ़ गए फांसी के फंदे पर। लोगों ने देखा फांसी तो लगी लेकिन लबों पर उसी तरह की मुस्कुराहट। क्यों? ये राज है मेरे अजीजों, मरने वाला ही जानता है। फंदा बाद में लगता है, आमिना का लाल पहले तशरीफ लाता है। मौत का दर्द उसे क्या होगा जो जमाले मुस्तफा देख रहा हो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ महव हो। अब सुनो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तुम इन बातों से घबराना नहीं, इन बातों से डरना नहीं कि कल को अगर आपके मिंबर पर बैठकर खिताब करने वाला ये आपका गुलाम मर जाता है, कट जाता है, कोई मुझे मार देता है, तो इस बात का यकीन रख लेना दीन रुकेगा नहीं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोज और उनकी इज्जत में कोई कमी आने वाली नहीं। हमारे मर जाने से कुछ नहीं होना है, इसलिए कि हर सुन्नी बच्चा जानता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हम मरने के बाद इस बात का यकीन रखते हैं अगर हमारी मौत हो गई इस रास्ते में तो इस्लाम की आबियारी होगी, इस्लाम और फूलेगा फलेगा। और हुआ यही, किफायत अली काफी को फांसी का फंदा देकर 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने, कि मौलवी चला गया जो लोगों को तकरीर करता था, हजारों का जमा करता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करता था, चला गया, हमने फांसी दे दी। लेकिन इन सालिमों को मालूम नहीं मेरे खुदा का कानून क्या है, कुदरत खुदाबंदी का कानून क्या है। मुरादाबाद शहर में ये किफायत अली काफी को 1857 के पहले फांसी दे रहे हैं, और उसी साल मुरादाबाद के करीब बरेली शहर में अल्लाह ताला अहमद रजा पैदा करता। तुम एक आशिक को फांसी दिए, हुजूर पाक के चाहने वाले को तुमने फांसी देकर ये समझा कि आप खत्म हो गया इश्क की बातें करने वाला, लेकिन कुर्बान जाओ मोहब्बत मुस्तफा पर। मेरा रब ऐसे इन मक्कारों के मकर को फेरता है कि फौरन अल्लाह ताला ने ऐसा आशिक पैदा किया, ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर बरेली की तरफ से उठने वाली आवाज एक शहर में, एक बस्ती में नहीं, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। आज 100 साल हो गए उस मर्दे कलंदर इमाम अहले सुन्नत को दुनिया से गए हुए, लेकिन हर मस्जिद की मिंबर और मेहराब आवाज देती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और फिर हमारे बच्चे भी आज कह जाते हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये निजाम है मेरे मौला का, एक चिराग तुम बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। हाँ इंशाअल्लाह लजीज, इस बात पर हम सबको जमा होना है। अल्लाह करीम हमें हमारी कोई हुई ताकत और कुव्वत अता फरमाए। आप रब तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ रब्बे जुल जलाल, जब तक जिंदगी बाकी है मौला मुझे तेरे नबी के वफादारों में शुमार फरमा। इसलिए मैं जब भी हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ आखा बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तो जिसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। या रसूल अल्लाह, क्या किसी और से तवक्को नजर की है, हमारा मानना तो ये है, मैंने देखा भी है अपने बच्चों को। और हम कहते हैं मेरे आका की बारगाह में, आका गुनहगार तो हो गए लेकिन आपके गद्दार नहीं है।
गद्दार नहीं है। जब तक गद्दार नहीं होंगे मेरे आका की तरफ से तुम्हारे लिए हमेशा इस्तकबालिया खुला रहेगा। आओ मेरे अजीजों, इस बात पर मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ आज के इस उर्स मुबारका में। और आज आजादी की ये रात है, हम बारगाह मुस्तफा में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आपको इस वतन से बुए वफा आई थी, मेरे आका इस वतन की तरफ नजरे करम फरमा दे। कयामत तक आने वाली हमारी नस्लों में मेरे आका सिर्फ आपके आशिक ही पैदा हो, कोई गद्दार ना पैदा हो। हमारी दुआ यही है मेरे आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।